नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश के 11 प्रमुख खबरों को। अब दुनिया को अमेरिका बता रहा है चीन की सच्चाई। अमेरिका काफी लंबे समय से चीन को कोविड-19 के फैलाने का जिम्मेदार बता रहा है और साथ ही यह भी कह रहा है कि जानबूझकर चीन ने पूरी दुनिया में इसका कहर को फैलाया है। इसी क्रम में दुनिया की महाशक्ति अमेरिका में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या भी अब 10 लाख के पार पहुंच चुकी है, जिससे कि अब 55,000 से ज्यादा लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद अब अमेरिका चीन को दुनिया से अलग थलग करने में जुट गया है। इसके लिए वह चीन के कोविड-19 का काला सच दुनिया को बताने में जुट गया है। अमेरिकी विदेशी मंत्री माइक पोम्पियो ने इस बात की जानकारी देते हुए यह बताया है कि अभी दूसरे देशों के साथ मिलकर उन्हें यह समझा रहे हैं कि कोविड-19 की उत्पत्ति चीन के वुहान से ही हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि चीन को दिसंबर में ही पता चल गया था कि कोविड-19 तेजी से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन फिर भी चीन ने दुनिया को पहले आगाह नहीं किया। स्वास्थ्य कर्मी भी आ रहे कोरोना की चपेट में। कोविड-19 जहां पूरी दुनिया में सबकी परेशानी बढ़ा रखी है, वहीं अब दूसरी तरफ इससे बचने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी अब धीरे धीरे इसकी चपेट में आ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के पटपरगंज के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 33 स्वास्थ्य कर्मी ने कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें से 2 डॉक्टर और 23 नर्सिंग स्टाफ शामिल है, जबकि बाकी तकनीशियन और सहायक कर्मचारी है। सभी को कोविड-19 साकेत पूर्व विंग में स्थानांतरित कर दिया गया है। सिर्फ मैक्स अस्पताल ही नहीं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 15 पॉजिटिव पाए गए थे, और वहीं अब सर गंगाराम, मूलचंद, इन सभी अस्पतालों में भी स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस पर कहा है कि बाबू जगजीवन राम अस्पताल जहांगीरपुर में स्थित है। जहांगीरपुर एक ही जगह पर बहुत सारे मामले आ चुके हैं, उसमें अस्पताल में लोग भी हैं और यह लोकल स्प्रेड है। वहीं बाकी सारे अस्पतालों में भी पॉजिटिव पाए गए सभी लोगों का आकलन किया जा रहा है, साथ ही उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। देश के कई हिस्सों में बीते दिन बारिश हुई है। इतना ही नहीं, बारिश होने का सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहने की बात भी कही है, जिसके बाद दिल्ली सहित उत्तर बिहार के कई जगहों पर सुबह गरज के साथ हल्की बारिश हुई है। वहीं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। इसके साथ ही मौसम विभाग की माने तो बारिश का असर सबसे ज्यादा किसानों पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि किसानों की फसल अभी भी खेतों में लहलहा रही है। ऐसे में बारिश का होना उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिम विभाग के पूर्वी हवाओं की वजह से बारिश का सिलसिला जारी है, और वहीं 2-3 दिन तक हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में प्रवासियों पर हुई चर्चा। बीते दिन मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बैठक की और दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को लेकर के चर्चा हुई है। इतना ही नहीं, इस बैठक में 3 मई के बाद बंद के भविष्य को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। खबरों की माने तो पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के बारे में बताया, इसके बाद एक अधिकारी ने कोविड-19 के अब तक की अपडेट को प्रेजेंटेशन दिया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया, जहां पर दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को वापस लाने और साथ ही वहीं पर रहने देने का विचार पर लिया गया है। साथ ही किन किन राज्यों में बंद की अवधि को बढ़ाए जाने की जरूरत है, इस बात पर भी सोच विचार किया गया है। वहीं इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से राष्ट्र का संबोधन किया था। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करते हुए धैर्य और संयम के साथ काम करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में शामिल हुए केवल 9 मुख्यमंत्री। देश में जारी कोविड-19 के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया था, लेकिन इन सबके बीच सिर्फ 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की खबर सामने आई है, जिसके तहत मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार, गुजरात और हरियाणा के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े थे। वहीं जो मुख्यमंत्री नहीं जुड़ पाए थे, उन्हें लिखित में सुझाव देने को कहा गया है। हालांकि इससे पहले 20 मार्च को हुई पहली बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोविड-19 की जारी जद्दोजहद पर अपने विचार विमर्श रखे थे, वहीं बाकी मुख्यमंत्रियों ने भी लिखित में अपना विचार साझा किया था। साउथ कोरिया का दावा, किम जोंग बिल्कुल है स्वस्थ। जहां बीते दिनों नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग की बिगड़ती सेहत को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे थे, वहीं इसी बीच दक्षिण कोरिया ने किम जोंग की गंभीर हालत से जुड़ी खबरों का खंडन किया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर के मुताबिक किम जोंग उन पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और जीवित हैं। वहीं एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर ने कहा कि किम जोंग उन बिल्कुल स्वस्थ हैं। वहीं 13 अप्रैल के बाद से उनकी कोई संदिग्ध गतिविधियां नहीं देखी गई है। वहीं उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार के मुताबिक किम जोंग उन शहर के कामगारों के प्रति आभार जताया है और उनकी बिगड़ती तबीयत की अटकलें तेज होने के बाद यह अखबार अक्सर उनकी एक्टिविटी के बारे में लोगों को खबर पहुंचाते रहता है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले साउथ कोरिया की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी और उनका इलाज उस खास अस्पताल में हो रहा है जहां उनके परिवार के लिए बनाया गया है। हालांकि उसके बाद उनकी सेहत को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के ओएसडी का गार्ड मिला कोरोना प्रभावित।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के ओएसडी का गार्ड कोरोना से प्रभावित पाया गया है। इस गार्ड की ड्यूटी दिल्ली स्थित एम्स ऑफिस में लगी हुई थी। वहीं एम्स के अधिकारियों का कहना है कि कोविड 19 से संक्रमित पाया गया गार्ड किस किस के संपर्क में आया था, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। संबंधित अधिकारी को क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है, साथ ही संबंधित कार्यालयों को भी बंद कर दिया गया है। नई दिल्ली में अब तक कोविड 19 के हॉटस्पॉट की कुल संख्या 97 हो गई है। रविवार को दिल्ली की कई गलियों को कंटेनमेंट जोन बना करके बंद कर दिया गया है। नई दिल्ली में प्रभावितों की बात करें तो यह आंकड़ा लगभग 3000 पहुंच चुका है, जिसमें कि 54 लोग अब तक दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 8 लोगों के ठीक होने की भी खबर सामने आई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के फैसले को आगे बढ़ाने का संकेत दिया है, साथ ही अभी छूट देने से साफ मना कर दिया है। फसल बेचने के लिए अब किसानों को नहीं करनी होगी कोई चिंता। किसानों के लिए आने वाले कुछ दिन बहुत खास होने वाले हैं। बंद के इस माहौल के बीच किसानों की खेती करने की इजाजत मिली है, लेकिन खड़ी फसल को बेचने की चिंता बनी हुई थी, मगर अब किसानों के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। खबरों की माने तो किसानों को फसल बेचने में मदद के लिए सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से बिना किसी परेशानी के किसान अब अपनी फसल बेच पाएंगे। जिसके तहत सरकार ने किसान रथ नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिसे कि अब कुछ दिनों में 2 लाख से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वहीं अन्य किसानों ने भी इसे जुड़ने के लिए डाउनलोड करने की अपील की गई है, जिसके तहत अब सभी लोग इसे एंड्रॉइड मोबाइल फोन से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने हाल ही में साझा की है। लॉकडाउन के इस माहौल में वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड से खुश है कंपनियां। कोविड 19 के बढ़ते असर से सभी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का एक नया मंत्र लागू किया था, जिसके बाद भारत की कई कंपनियों ने इसे अपना भी लिया है और कर्मचारियों से घर से ही काम करने की पहल को तेज किया है। इतना ही नहीं, आने वाले समय के लिए भी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड को ही अपनाए रखने का फैसला भी सुनाया है, जिसके तहत IT कंपनी TCS के CEO और कार्यकारी निदेशक N. गणपति सुब्रमण्यम ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान हमने देखा है कि हमारे कर्मचारी खुश हैं और बेहतर प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, और आने वाले समय में वर्क फ्रॉम होम हमारी कंपनी का अहम हिस्सा हो सकता है। TCS का मानना है कि 2025 तक उसके 75% कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। उद्धव ठाकरे ने की राज्य में फंसे मजदूरों को वापस भेजने की हर संभव कोशिश करने की पहल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उद्धव ठाकरे ने राज्य में फंसे मजदूरों को वापस भेजने के लिए सरकार द्वारा हर संभव कोशिश किए जाने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन कहा है कि एक बात साफ है कि अभी ट्रेन नहीं खुलेगी, लेकिन मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए दूसरे राज्यों से बात की जा रही है। वहीं उद्धव ठाकरे ने आगे यह भी कहा कि ट्रेन खुली तो भारी संख्या में लोगों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो संक्रमण के फैलने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन हम इसका दूसरा रास्ता निकालते हैं, सभी मजदूरों को वापस घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे के इस फैसले पर बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि सभी राज्यों ने पहले ही यह साफ कह दिया था कि जो जहां पर है वहीं रहे, सरकार वहीं पर उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर अभी भारी संख्या में लोगों की आवाजाही हुई तो कोरोना के फैलने के आसार बढ़ सकते हैं। रोहित शर्मा ने विश्व कप जीतने की जताई इच्छा। भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने हाल ही में विश्व कप को जीतने की इच्छा जताई है। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की तरफ से भी खेलते हैं। उन्होंने हाल ही में दिए अपने बयान में कहा है कि मैदान में जाते हैं तो हर बार जीतना चाहते हैं, लेकिन विश्व कप हर किसी का शिखर है, मैं विश्व कप जीतना चाहता हूं। वहीं रोहित शर्मा ने हाल ही में हरभजन सिंह के साथ इंस्टाग्राम पर कहा था कि उनका लक्ष्य भारतीय टीम को अगले 3 विश्व कप में से 2 विश्व कप जिताने में मदद करना है। हालांकि विश्व कप इस साल होने की संभावना काफी कम है, क्योंकि कोविड 19 का कहर लगातार जारी है। ऐसे में विश्व कप को लेकर अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सभी मजदूरों को उनके राज्य भेजने का फैसला आपके अनुसार कोविड 19 के फैलते असर को देखते हुए कितना सही है कितना नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।